हाँ तो ठीक है, आज हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। आखिरकार वो सफ़र जहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी एक सिंपल सादा व्यक्ति कैसे एक महात्मा बन जाते हैं, उनके बारे में आज एक हम सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं। सफ़र में हम जानेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनके द्वारा किए गए समय समय पर जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। यानी कि जो संपूर्ण इतिहास रहेगा महात्मा गांधी जी का, उसका हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। इनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम, शादी कब हुई, इनकी पत्नी का नाम, इनके बच्चों का नाम क्या था, ठीक है ना, मृत्यु कब हुई इनकी, इन्होंने अध्ययन किन किन क्षेत्रों में अध्ययन किया, कार्य क्या हैं, आंदोलन कौन कौन से, उपाधि और सिद्धांत के बारे में, इनके बारे में हम थोड़ा जिक्र करने वाले हैं इस साइड में। और भी इनके आंदोलन कौन कौन रहे, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन जो है किए, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे महात्मा गांधी से संबंधित। तो आप देख पा रहे हैं, ये महात्मा गांधी के बचपन की फोटो देख पा रहे हैं आप। देखिएगा कितने सिंपल सीधे सादे से व्यक्ति, मतलब एक भोले भाले व्यक्ति, एक भोले भाले चेहरे के पीछे कोई जानता था कि भारत जो उपनिवेश था ब्रिटिश सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उससे 1857 में क्रांति हमने की, नहीं हार जीत पाए, हार गए। फाइनली आखिरकार संघर्ष पे संघर्ष हुए, किसानों के आंदोलन हुए, नेताओं के आंदोलन हुए, कई स्वतंत्रता सेनानी आए, अपनी जान भी गंवाई उन्होंने, बलिदान दिए उन्होंने, लेकिन फाइनली अगर हम बात करते हैं एक सूखे साखे से दुबले पतले और एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम रोल अदा किया। यानी कि किसी भी देश को आज़ाद दिलाने के लिए उसके पीछे का एक राज होता है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद की भावना अगर किसी देश में पैदा नहीं होती, समझ लीजिए वो देश आजाद नहीं हो सकता। तो दो, ये खास करके देखा जाए भारत के अंदर दो या दो से अधिक धर्मों को एक करने का, जाति संप्रदाय को एक करने का, लोगों की विचारधाराओं को एक करने का अगर काम किया, तो वो थे हमारे प्यारे से महात्मा गांधी, जो आप देख पा रहे हैं ये प्यारी सी फोटो उनकी, समय के साथ जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए तब की ये फोटो है, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी के अंदर जब उन्होंने अपने आप को शामिल किया तब की ये फोटो देख पा रहे हैं। और जब हमारे देश में आए और आने के बाद कई आंदोलन जब चलाए, तो आंदोलन चलाते समय उनकी जो वेशभूषा थी वो आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से ये चार इमेजेज ये दिखाती हैं गांधी जी के स्वरूप को, समय के साथ उन्होंने अपने आप को कैसे बदला। अगर हम मोहनदास करमचंद गांधी के पिता की बात करें तो उनका नाम था करमचंद्र गांधी, ठीक है, और गांधी शब्द की बात कर लें, जो गांधी होता है ना, तो गुजरात में इस गांधी को कहा जाता है पंसारी। क्या कहते हैं इसे हम? पंसारी जो जाति होती है, पंसारी जाति, क्योंकि ये पंसारी जाति आती है वैश्य में, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो जो वैश्य होते हैं उन्हें पंसारी, क्योंकि पंसारी कैटेगरी जो है वैश्य में आती है, तो वैश्य थे ये गांधी जी, ठीक है। तो और गांधी का मतलब हुआ गुजराती भाषा में पंसारी, अगर हम हिंदी भाषा में बात करें गांधी की तो वो होता है फूल बेचने वाले, कौन, फूल, जो फूल बेचते हैं उन्हें गांधी कहा जाता है हिंदी में, ठीक है ना। माता का नाम था पुतली बाई, शादी जब हुई इनकी कस्तूरबा गांधी से, इनकी शादी होती कब होती, 13.5, कब, जब ये 13.5 वर्ष के थे दोस्तों, तब इनकी जो है पुतली बाई के साथ, देख सकते हैं आप यहाँ पे जो उनकी जो माता जी, माता जो पुतली बाई जो थी उनकी माता जी थी, और मात्र 13.5 साल की उम्र में उनकी माता जी जो है पुतली बाई वो कस्तूरबा गांधी जी से उनकी शादी करा देती हैं। उस समय कस्तूरबा गांधी जी की जो उम्र थी दोस्तों वो थी 14 वर्ष, कितनी थी दोस्तों, 14 वर्ष, यानी कि 6 महीने वो गांधी जी से बड़ी थी। बात करते हैं उनके बच्चों की, तो 4 बच्चे हुए उनके, जैसे कि हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, ठीक है। अब देवदास मूवी में समझ लीजिएगा कि जो देवदास मूवी में जो थे वो गांधी जी के बेटे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझिएगा, तो देवदास अलग हैं। तो जन्म बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में, कब हुआ था दोस्तों, 2 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को, देखिए गांधी जयंती भी हम लोग मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ा पोरबंदर गुजरात, ध्यान रखिएगा गुजरात में एक पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट है, उस पोरबंदर में एक गाँव है जिसका नाम है काठियावाड़ा। इस काठियावाड़ में ही खास करके देखा जाए हमारे राष्ट्रपिता है ना, आने वाले राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म होता है।
मृत्यु हो जाती है इनकी 30 जनवरी 1848 दिल्ली में। इनका मर्डर किया जाता है नाथूराम गोडसे, जो संघ संचालक के एक सदस्य थे, आरएसएस के सदस्य हुआ करते थे, और उन्होंने गांधी जी की जो है गोलियां मारकर जो है हत्या कर दी थी। कहते 3 गोलियां उनको मारी और अंतिम शब्द जो थे उनके वो हेराम थे गांधी जी के। खैर इसके बारे में हम जब आगे बढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप बात कर लेते हैं अध्ययन। तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी इंग्लैंड से, ठीक है ना, ब्रिटेन में है इंग्लैंड, तो इन्होंने इंग्लैंड से वकालत की तैयारी की थी क्योंकि इनके पिता वगैरह और माता वगैरह चाहते थे कि बैरिस्टर की पढ़ाई करें। कार्य जो है स्वतंत्रता सेनानी थे ये। आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने अपना आंदोलन जो है साउथ अफ्रीका में चलाया। असहयोग आंदोलन उनका रहा, नमक आंदोलन रहा, भारत छोड़ो आंदोलन इनका रहा, ठीक है, चंपारण का आंदोलन है, खेड़ा जिले का है, अहमदाबाद का है, बहुत सारे उनके आंदोलन है। उपाधि राष्ट्रपिता की उपाधि और बापू की इनको मिली हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें राष्ट्रपिता की उपाधि कर दी तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको दी थी, राष्ट्रपिता कहा था, इनको संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सिद्धांत क्या थे गांधी जी के, तो बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनके 3 सिद्धांत थे, सत्य, प्रेम और अहिंसा। सत्य बोलिए, लोगों से प्रेम कीजिए, और अहिंसा यानी कि हिंसा के रास्ते को ना अपना कर हिंसा के रास्ते को अपनाइए, क्योंकि किसी भी झगड़े का अगर सॉल्यूशन अगर है तो वो प्यार, मोहब्बत और भाईचारा है, ना कि मार काट और लड़ाइयाँ, ठीक है ना। तो ये गांधी जी का उसूल था। तो इन्होंने इस प्रकार से कहा कि ये लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के जन्म के बाद की बात करें, 1885 की बात कर लें, तो आप देख पा रहे होंगे ये है ए ओ ह्यूम। कौन है ये? ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज ने क्या किया, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों। उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट के जो वकील थे जिनका नाम था ब्योमेश चंद्र बनर्जी, उनको कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। किसको? ब्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष बनाया गया। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय बनाया गया था बंबई। अब बंबई को, क्योंकि भाई कोलकाता में बनर्जी की, कोलकाता इनकी प्रशासनिक राजधानी थी, तो बंबई में इन्होंने एक मुख्यालय क्यों बनाया कांग्रेस पार्टी का? तो इन्हें बंबई में इसलिए बनाया क्योंकि कलकत्ता में क्या था, कलकत्ता कह लो या बंगाल में, पश्चिम बंगाल में क्या था कि उस बंगाल में जो है प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। प्लेग की वजह से हुआ क्या कि यहाँ पे निर्णय लिया गया कि जो मुंबई जो है खास जो जगह है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी जाए। और खास करके 28 दिसंबर, देख पा रहे हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है मुंबई में की गई और वहीं उसका मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। बात कर लेते हैं अब गांधी जी का जब सफर शुरू हुआ, वो सफर देखिएगा क्या रहा। जब वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आने के बाद में फिर इनको क्या हुआ कि एक प्रकार का अपॉइंटमेंट मिला, या इनकी खास करके उनको एक काम मिला, उनके पड़ोसी ही, और उन्होंने कहा उनका जमीनी विवाद था कोई अफ्रीका में, तो उनको क्या हुआ उनके जमीनी विवाद को निपटाने के चक्कर में वकालत वकील के रूप में अपॉइंट हुए और वो कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका के लिए वो निकल पड़े। कब निकले भाई? 1893 में वो महात्मा गांधी कहाँ गए, साउथ अफ्रीका। और आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा, मतलब एक बड़े स्टोरी के साथ समझाया गया है कि किस प्रकार से ट्रेन में और एक शख्स ये नीचे बैठे हुए हैं, देख पा रहे हैं ना, एक शख्स नीचे बैठे हुए हैं, या फिर ये कहो कि जब ट्रेन से इसको बाहर फेंक दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में क्या था कि नस्ल भेद की एक जो है कानून लगा चल रहा था, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर नस्ल भेदी कानून था और गोरे काले का भेद वहां पे था, यानी कि जो ट्रेन था ट्रेन में भी रिजर्वेशन चलता था, गोरों के लिए अलग क्लास की जो है कह सकते हैं डिब्बे होते थे और वहीं काले लोगों के लिए अलग क्लास के। जब गांधी जी गए तो गांधी जी को मालूम नहीं था और जाकर वो गोरे वाले डिब्बे में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जो गोरे लोग थे उनको वहाँ से हटा देते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन वो जा किसी कोच में जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन कोई यूरोपियन अधिकारी जब वहाँ पहुँचता है, वो देखता है, तो कहते हैं कि गांधी जी को वहाँ पे जो है जो ट्रेन चालक था वो गांधी जी को मार देते हैं और बाहर उसको, मतलब गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। ये देखिए, ये तो वो शख्स हैं जो गांधी जी हैं और इनको जो है ट्रेन से बाहर जो है आप देख पा रहे हैं किस तरीके से फेंक दिया है। और ऐसे देखे गांधी जी देख रहे हैं कि यार हमारे साथ ये हुआ क्या, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, पढ़े लिखे हैं, बाकायदा तैयारी व्यारी की है, बैरिस्टर हैं, वकील हैं, फिर हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों, क्यों किया गया ऐसा, है ना, हो सकता है ना क्यों किया गया वाय। लेकिन क्या कर सकते हैं, गांधी जी ऐसे बैठे जैसे फेविकॉल लगा दिया गया हो और चिपक गए हों, मतलब सदमे में थे, उभर नहीं पाए, उनको समझ में नहीं आया कि कर हुआ तो हुआ क्या उनके साथ में। लेकिन क्या कर सकते हैं, यहीं से उनके अंदर एक जुनून की भावना पैदा हुई और उन्होंने कहा ये गलत है, गलत है तो गलत है, क्योंकि वो गलत का साथ नहीं देते थे। हुआ क्या, यहाँ से गांधी जी को उठाकर जो है साउथ अफ्रीका की कोर्ट में ले जाया गया, तो जज ने फिर इनको अपमानित किया क्योंकि इनसे कहा अपनी पगड़ी उतार दें, इन्होंने मना कर दिया,
और कहा मैं पगड़ी नहीं उतार सकता क्योंकि वो मेरे मान सम्मान से जुड़ी हुई है। और मेरी गलती क्या थी आप ये बता दीजिए, क्योंकि ट्रेन पर सफर करना हर एक व्यक्ति का एक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस कंडीशन में उन्होंने कहा कि मैं ये अधिकार लेकर रहना चाहता हूँ, मैं इस अधिकार को पाना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, वो कहीं पे बैठ सकते हैं। और गोरे काले का भेद वाली जो नीति के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और तो इसलिए कहा जाता है गांधी जी का पहला सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा सत्याग्रह जो था गांधी जी का सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह स्टार्ट किया। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए लोगों से आग्रह करना कि आइए सत्य के लिए लड़िए, और उनको बोला कि आओ सत्य की ओर आओ, और जो लोग सत्य के खिलाफ हैं उनसे लड़ाई करें, युद्ध करें। युद्ध नहीं करना है, लड़ाई मतलब विचार अपने रखें, और खास करके उनको इसीलिए मनवाएं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये अहिंसावादी थे, हिंसा पसंद नहीं थी गांधी जी को। ठीक है, और यहाँ पे ही 1893 में आपने देखो शिकागो सम्मेलन हुआ था, शिकागो सम्मेलन में शामिल हुए थे भारत से स्वामी विवेकानंद जी, और वहीं पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी हुई। 1895 में रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि रामकृष्ण मिशन को रामकृष्ण कौन थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हुआ करते थे, कौन, रामकृष्ण। और अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते हुए उन्होंने उनके लिए एक राम मिशन स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1885 में की, और उन्होंने किस नाम, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे गांधी जी जब लगभग दो दशक के बाद वो भारत लौटते हैं, गांधी जी भारत लौटते हैं तो उनका भव्य स्वागत किया जाता है, क्योंकि अब गांधी जी वो गांधी नहीं थे, क्योंकि अब वो महात्मा बन चुके थे, यानी कि अब वो फेमस हो चुके थे, क्योंकि जब वो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के लोगों का अधिकार दिला सकते तो अपने देश के लोगों को अधिकार क्यों नहीं दिला सकते। और खास करके उनको बुलवाया गया और कहा गया कि आप जब बाहर कर सकते हैं वो काम, तो आप देश के अंदर भी कर सकते हैं। इसलिए 9 जनवरी कब दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस हिंदुस्तान आते हैं, और इस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है, आप प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देख सकते हैं आप 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे कौन, महात्मा गांधी। वो गांधी बनकर गए थे और महात्मा बनकर लौटे दोस्तों। कौन गए थे भैया, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी बनकर गए थे पर महात्मा बनकर लौटे, क्योंकि उन्होंने वहां पर रह रहे हिंदुस्तानियों को इंसाफ दिलाया था। ठीक है, देखते हैं भारत लौटने के बाद आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया किसने, महात्मा गांधी ने। अब भारत में जो आजादी की लड़ाई की जो कमान थी वो किसने संभाली दोस्तों, वो महात्मा गांधी ने आकर संभाली। कहते हैं जब महात्मा गांधी 1915 में आए तो उन्होंने सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण किया, देखा माहौल, समझा गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, महिलाओं का, पुरुषों का व्यवहार समझा, देखा कि आखिर और अंग्रेजों के जो व्यवहार थे भारत के भारतीय लोगों के साथ उनको समझा, और जानना चाहते थे आखिर क्या हो क्या रहा है। तो उन्होंने इन सारी चीजों को देखकर समझकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर डाली, कहाँ की, अहमदाबाद में की, कहाँ की, अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह की जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर डाली। और उस समय कहाँ पे की थी उन्होंने, कोचरब, का नाम है, अहमदाबाद में एक जगह है कोचरब जो साबरमती नदी के पास में ही है, कोचरब करके जगह है। 1915 में उन्होंने यहाँ पे साबरमती कह सकते हैं सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, किसकी, सत्याग्रह आश्रम, ध्यान रखिएगा सत्याग्रह आश्रम। लेकिन बाद में इस आश्रम को 1917 में दोस्तों, कब, 1917 में कोचरब से स्थानांतरित करके कहां रख दिया, साबरमती के, साबरमती नदी के किनारे स्थापित किया गया, और तब से इसका नाम साबरमती आश्रम पड़ गया। ध्यान रखना कब पड़ गया, 1917 में इसको साबरमती आश्रम कहा जाने लगा, किसको, जो पहले सत्याग्रह आश्रम हुआ करता था गांधी जी का। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें 1916 में क्या हुआ, 1916 में बात करते हैं, देखिए 1916 में अगर हम बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना हुई। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो वहाँ पे गांधी जी को अतिथि के रूप में बुलाया गया था, गांधी जी भी वहाँ पे गए, सारे नेता लोग मौजूद थे, तो गांधी जी भी वहाँ मौजूद थे। जब सारे नेताओं ने वहाँ पे अपने अपने भाषण दिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे बोल चुके, और जब गांधी जी का नंबर आया तो जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो गांधी जी ने कहा कि जब से मैं यहाँ बैठा हूँ मैं सब कुछ देख रहा हूँ, हर लोगों को देख रहा हूँ, हर लोगों के मैंने भाषण सुने, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ उचित नहीं लगी है। क्योंकि वो ये कहना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर आए हुए अमीर लोग हैं, साहूकार लोग हैं, सेठ लोग हैं,
जमींदार लोग हैं, अंग्रेजी अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस वाले भी मौजूद हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी यहाँ होनी चाहिए वो एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। वो कौन थे? मजदूर, किसान, समझ रहे हैं, मजदूर, किसान, लेबर वर्ग के लोग, ग्रामीण लोग, ग्रामीण लोग यानी गांव के लोग, किसान वर्ग के लोग, यानी कि वो लोग जो गरीब थे, वो एक भी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। तो उन्होंने कहा, क्या ये विश्वविद्यालय सिर्फ अमीरों के लिए स्थापित किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ अमीरों को शिक्षा देगा? अगर ऐसा है तो मैं इस विश्वविद्यालय में ओपनिंग में यानी इस संस्थापक दिवस में मैं शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं संपूर्ण भारत हो, एक ऐसा भारत हो जिसमें हर व्यक्ति के लिए अधिकार हो, हर व्यक्ति पढ़ लिख सके, चाहे निचला हो चाहे उचला हो, चाहे किसी वर्ण व्यवस्था से ताल्लुक रखता हो। क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे भारत में अस्पृश्यता रहे, भारत में छुआछूत रहे, भारत में भेदभाव रहे, वो समानता को पसंद करते थे और समानता की बात करते थे। तो गांधी जी के इस भाषण को, प्रभावित भाषण को लोग सुनकर दंग रह गए। उनको लगा कि हाँ, इस बंदे में कोई जान है, मतलब इसके भाषण में कोई जान है और ये बंदा कुछ कर सकता, कुछ नया कर सकता है। उसी दौरान 1916 में ही गांधी जी को पता चला चंपारण के बारे में, बिहार के चंपारण के बारे में, ठीक है, क्योंकि उनके साथ भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। देख पा रहे हैं आप, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, गांधी जी 1917 में बिहार पहुंचते हैं, चंपारण जिला में पहुंचते हैं। क्या था कि वहां पे अंग्रेजों ने वहां के किसानों को मजबूर कर रखा था नील की खेती उगाने के लिए। आखिरकार नीली खेती में ऐसा क्या था किसान उगाना नहीं चाहते थे? नीली खेती में एक ये बुराई थी कि एक बार उगने के बाद 5 से 10 साल तक आप उस जमीन पर और कोई फसल पैदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि नील की खेती बहुत ज़्यादा शोषण, मतलब आप जो कह सकते हैं जितना भी मिनरल्स, खाद्य पदार्थ जो होते थे, खास करके जो भी क्वालिटी होती थी मिट्टी की, वो सारी आप शोषित कर लेते थे, सारे रबड़ मिनरल्स सारे खत्म कर दिए जाते थे। ऐसी कंडीशन में वो मिट्टी और भी फसल उगाने लायक नहीं बचती थी नीली खेती करने के बाद। तो वहाँ के किसानों ने जब इसका आंदोलन किया तो खास करके अंग्रेजों ने उसको दबाया और खास करके उनके साथ बहुत सारे अत्याचार भी किया। जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी गए और गांधी जी ने वहाँ पे अंग्रेजों से बात की, किसानों से बात की और अंग्रेजों से बात की। अंग्रेजों से कहा कि आज आप नीली खेती करवाना चाहते हैं लोगों से, अगर ये लोग बाद में नहीं रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, तो आप फिर आगे का बिजनेस किससे करवाएंगे? गांधी जी ने उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश की कि अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तब तो आप बिजनेस कर पाएंगे, तब तो नीली खेती उगा पाएंगे, अगर ये जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं? इसलिए इस प्रकार से आप इनके साथ ट्रीट करें, इस प्रकार से व्यवहार करें कि ये अपनी खेती भी उगा, मतलब अपनी खाद्यान्न फसल भी उगा सके और आपका आपका जो व्यापारिक फसल है उसको भी उगा सके। गांधी जी की बातों को उन्होंने समझा, अंग्रेजों ने उनको एक्सेप्ट किया और फाइनली गांधी जी की बात उन्होंने मानी और उनका पहला सत्याग्रह 1917 का जो पहला सत्याग्रह था वो कामयाब हुआ। ठीक है, तो देख पा रहे हैं पहला जो फर्स्ट सत्याग्रह जो था गांधी जी का वो एकदम सफल होता है। उसके बाद उनको तुरंत लगातार 1918 में खेड़ा जिला जो गुजरात में है उसका आंदोलन मिल जाता है, खेड़ा सत्याग्रह। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे जो किसानों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ने की वजह से, यहाँ पे अकाल पड़ने की वजह से हुआ क्या था कि यहाँ की जमीनें सूखा पड़ गई थी, मतलब जमीन में पैदावार नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गई, सूखा पड़ गया। और लेकिन अंग्रेजों से जब किसानों ने कहा कि हमें टैक्स माफ़ कर दिया जाए या टैक्स कुछ कम कर दिया जाए, पर अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं हुए। जब अंग्रेज तैयार नहीं हुए तो वहाँ के मजदूरों ने, यानी कि वहाँ के जो किसान लोगों ने, उनका विरोध करना शुरू किया। गांधी जी को पता चला, गांधी जी को बुलवाया तो गांधी जी ने अंग्रेजों से बात की और उनको भी मना लिया, उनको गांधी जी ने अंग्रेजों को भी मना लिया। और हुआ क्या, अंग्रेजों को गांधी जी की बात माननी पड़ी और ये आंदोलन भी सफल हुआ गांधी जी का। तो गांधी जी का लगातार दूसरा आंदोलन सफल होता है। उसी वर्ष 1918 में ही अहमदाबाद में मिल मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। आंदोलन करने के पीछे के राज क्या थे? इसका कारण यह था कि भाई समय पर वेतन ना मिलना, समय पर क्या हो रहा था, वेतन नहीं दिया जा रहा था किसको, मिल मजदूरों को, छुट्टी नहीं मिल रही थी समय पर उनको, छुट्टी की समस्या सबसे बड़ी थी। क्यों, देखिए छुट्टी की समस्या क्या थी कि भैया किसान, मतलब उन मिल मजदूरों से कहा जाता था कि आपको छुट्टी दे दी जाएगी और सालों साल, दो दो तीन तीन साल तक लोगों को छुट्टियां नहीं मिली, लोग बेचैन हो गए अपने परिवार से मिलने के लिए। तो वो उनका मानना था कि हमें समय पे वेतन नहीं मिलता, ना ही हमें छुट्टी मिलती है और हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या किया जाता है? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, व्यवहार किया जाता है हमें, हमें दबाया, मतलब हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता है, हमें नीचा समझकर हम पर जो है कुल मिला के हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है। तो जब गांधी जी ने मिल मालिकों से बात की और उन्होंने कहा कि आप इनसे ही तो अपने आप को जिंदा किए हुए हैं, मिल मजदूर अगर नहीं होंगे तो क्या आप मजदूर करेंगे, आप जाकर काम करेंगे, आपके बेटे काम करेंगे, आपके परिवार वाले लोग काम करेंगे क्या, मल्लों में जाकर मजदूरी करेंगे, अगर आप मजदूरों खुश नहीं रह सकते तो आपका बिजनेस आगे सफल नहीं हो सकता।
उन्होंने मिल मालिकों को मनाने की कोशिश की और मिल मालिकों को गांधी जी की बात समझ में आई और उन्होंने मिल मजदूरों को क्या किया, वेतन दिया और उन्हें छुट्टियां भी दी और ये आंदोलन भी गांधी जी का सफल हुआ। तो लगातार तीन आंदोलन गांधी जी के जब सफल हुए तो गांधी जी पूर्ण रूप से भारत में फेमस हो चुके थे और एक प्रकार से नायक बन चुके थे और हर जवाब पर बच्चे बच्चे की जवाब पर गांधी जी का नाम आ रहा था। कई लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिरकार गांधी जी ने क्या कर दिया, क्या गांधी जी ने बिना हथियारों के सिर्फ चलते फिरते भारत को आज़ादी दिलाई? नहीं, मैं अगर मैं बात कहूँ उन लोगों से, मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि क्या गांधी जी ने आज़ादी दिलाई है, तो मैं ये कह सकता हूँ राष्ट्र भावना अगर पैदा की है तो गांधी ने की है। और जब आप जब किसी व्यक्ति किसी देश के अंदर जब लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति भावना ही पैदा नहीं होती, राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं जगता, तो वो राष्ट्र के लिए लड़ेंगे ही क्यों? जब राष्ट्र के लिए लड़ेंगे ही नहीं तो गुलाम रहेंगे। तो राष्ट्र के लिए राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी लोगों के अंदर अगर पैदा की तो गांधी ने की, महात्मा गांधी ने की। जब महात्मा गांधी ने ये राष्ट्र भावना की विचारधारा पैदा की तो लोगों के अंदर जुनून आया और देश के प्रति भावना पैदा हुई, भारत को माता समझने लगे, वो जन्मभूमि समझने लगे वो, और ये कहने लगे कि इसके लिए हम कर भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना गांधी जी ने डाली दोस्तों। अगर ये कोई कहता है कि गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ और सबसे बड़ा अनपढ़ गवार ठेठ बग्गड़ इंसान है जो ये कहता है कि गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलाई। और खासकर कुछ लोग पढ़े लिखे भी लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि गांधी जी तो चमचे थे, अंग्रेजों के चमचे थे, अंग्रेजों ने उनको मतलब जो कह सकते हैं वो अंग्रेजों के दलाल थे, कई प्रकार की भाषाएं बोल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि पूरे विश्व में भारत का अगर नाम रोशन किया तो गांधी जी ने किया। अगर अंग्रेजों को भगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो गांधी जी ने निभाई। सुखदेव, भगत सिंह, बाल गुरु की बात कर लें, आज़ाद की बात कर लें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लें, लाला लाजपत राय की बात कर लें, बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी रहे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनका भी अपना रोल रहा है समय समय पर, लेकिन लोगों को एकजुट करने का अगर काम किया है तो महात्मा गांधी ने किया है ना। तो होता है, देखिए अगले बात क्या करते हैं हम लोग, खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ, अगली बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं रोलेक्ट एक्ट। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो भारत में अंग्रेज क्या करते हैं, रोलेक्ट एक्ट लागू कर देते हैं, है ना। ये रोलेक्ट है, ये रोलेक्ट क्या कर देता है, ये रोलेक्ट कर देता है, अपना एक्ट लगा देता है इसको, ये बंदी जो बंदा जो है ये रोलेक्ट एक्ट लगाता है भारत के अंदर। और ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ये आशंका बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे भारतीय लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे और उनको ये वादा दिया, उनको ये यकीन दिलाया गया था कि आज़ाद होने के बाद में आपको कई प्रकार की सुख सुविधाएँ दी जाएंगी। पर हुआ क्या, ऐसा हुआ नहीं हो पाया। और वो लोग भारत के लोग जो लोग थे, खास करके पंजाब में बहुत सारे लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था ये सोच करके प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद उनका जीवन अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे डरते हुए यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, रोलेक्ट एक्ट लागू कर दिया। इसे हम काला कानून भी कहते हैं, इसे काला कानून भी कहा जाता है। अब काला कानून क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसे काला कानून इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें तीर रखा गया था। देखिए, नो अपील और नो दलील। ना तो आप वकील रख सकते हैं अपना, ना ही आप दलील दे सकते हैं कि हम गुनहगार हैं या नहीं है, और ना ही आप किसी प्रकार के अपील कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से थी आप, और दो साल के लिए आपको जेल में डाल दिया जाता था, यानी कि शक के वया पर किसी व्यक्ति को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था और बंदा ना तो वकील रख सकता था, ना अपील कर सकता था, ना ही अपनी कोई दलील दे सकता था, ना सफाई दे सकता था। इसीलिए इसे काला कानून कहा गया और इसका भारत में आंदोलन चल रहा था इसके विरोध में, और सबसे ज़्यादा विरोध में आंदोलन चल रहा था पंजाब के अंदर। पंजाब में वैसाखी का मेला लगा हुआ था, ठीक है, वैसाखी का दिन था, वैसाखी का मेला लगा हुआ था कहाँ पर, जलियांवाला में। और वहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे लोग थे और अपना बैठे हुए थे और इसी बात पर बहस कर रहे थे, चला रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर जनरल डायर जो है सेनाओं को लेकर पहुँच जाते हैं और आगे क्या हुआ आप सब जानते ही हैं, ठीक है। आगे की जो है नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ तक का वीडियो जैसा भी लगा होगा आपको बताना है, क्योंकि
आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ तक का जो वीडियो आपने देखा है, पूरा जब वीडियो देखा है, तो वहाँ पे आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम लगती है, मतलब क्या प्रॉब्लम आई है, क्या कुछ चीज़ें समझ में नहीं है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर समझ में आ गई है तो ओके करके कमेंट कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं, देखिए चंपारण के बारे में हमने पढ़ लिया है, खेड़ा के बारे में पढ़ लिया, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के बारे में पढ़ा, खिलाफत आंदोलन। अब देखिए अभी हमने रूलेट एक्ट की बात कर, अगले जो वीडियो में रहेगा हमारा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो खिलाफत आंदोलन का होगा, सहयोग आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का रहेगा। और फाइनली हम बात करेंगे 30 जनवरी की बात करेंगे, 30 जनवरी 1948 की, जब महात्मा गांधी को जो है गोली मार दी जाती है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट का आप वेट करेंगे, ठीक है, और इस पार्ट को आप सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।